Many Pakistanis are not ready to hear one word against Pakistan's army even today. But Pakistan's army lied to the people of Pakistan throughout the 71 war and projected imaginary victories. Pakistan's army forced the media to report outrageous lies in the newspapers about the outcome of the war. सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आज 16 दिसंबर हम सुकूत ढाका से बात करेंगे और मैं आपको उस दौर के कुछ अखबार दिखाना चाहता हूं, फ्रंट पेजेस, लीड स्टोरीज. 16 दिसंबर का सानिया हो चुका था. 4 बजे तकरीबन शाम को पाकिस्तान की अफवाज ने ढाका में हथियार डाल दिए थे. लेकिन 17 दिसंबर को पाकिस्तान के जो सबसे बड़े अखबार थे वो कौम को क्या बता रहे थे, सच बता रहे थे या झूठ, आप खुद फैसला कर लीजिए. पाकिस्तान के रोजनामा जंग ने लिखा, जंग जारी रहेगी. ये सदर यहिया साहब के अल्फाज थे जो उन्होंने कोट किए और जाहिर है जंग अखबार को ये कहा गया होगा, ISPR की तरफ से एक अलामिया आया होगा कि आप इस पर लिखें. इसके बाद अगले दिन 17 दिसंबर के बाद 18 दिसंबर 2 दिन बाद सदर यहिया ने जंग बंदी का हुक्म दे दिया. अभी तक कौम को यह नहीं बताया जा रहा था 18 दिसंबर तक कि हमने ढाका में हथियार डाल दिए हैं. अभी भी यही कहा जा रहा था कि हमने जंग बंदी कर ली है और जंग से कोई मसला हल नहीं होता. डॉन की हेडलाइन है वॉर टिल विक्ट्री. ये 17 दिसंबर की, आप तारीख देखें, 17 दिसंबर पाकिस्तान एक दिन पहले हथियार डाल चुका है और वॉर टिल विक्ट्री की नवीद पाकिस्तान की कौम को सुनाई जा रही है. 18 दिसंबर यहिया साहब ने कहा है कि ऑर्डर किया है, ऑर्डर्स सीज फायर, कि जैसे उन्होंने खुद जंगबंदी का ऐलान किया उन पर कोई दबाव नहीं है और पाकिस्तान की अफवाज अभी भी उतनी ही बहादुरी से वहां पर लड़ रही है, जो कि हकीकत नहीं थी. 17 दिसंबर का पाकिस्तान टाइम्स, दिस इज नॉट एंड ऑफ वॉर, सेटबैक ओनली टेम्पररी. ये सदर यहिया साहब कौम को बता रहे हैं, पाकिस्तान टाइम्स के जरिए बता रहे हैं. यह 17 दिसंबर है. दिसंबर पाकिस्तान टाइम्स, इंडिया सीज फायर ऑफर एक्सेप्टेड. इसमें भी अभी तक 18 दिसंबर तक कौम को वाज अल्फाज में यह नहीं बताया गया था कि ढाका में पाकिस्तान की फौज हथियार डाल चुकी है और हम शिकस्त खा चुके हैं, क्योंकि सच था, सच को बर्दाश्त करना मुश्किल था, तल्ख था, हमने बर्दाश्त नहीं किया और कौम को झूठ बताते रहे और पाकिस्तान का मीडिया उसमें इस्तेमाल हुआ. उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान का मीडिया इस्तेमाल होता रहा है. हम पाकिस्तान्स आर्मी सरेंडर्ड विद 93,000 सोल्जर्स टू इंडिया. पाकिस्तान लाइड दैट इंडिया वांटेड सीज फायर. दिस वाज एन आउटरेजियस लाई. We will expose Pakistan's army for this. जब मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ उसके नतीजे में हालात खराब हुए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग शुरू हो गई और पाकिस्तान का जो मीडिया था उसने मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी कौम को अंधेरे में रखा. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ऐसे कुछ खबरें दिखाना चाहता हूं जो पाकिस्तानी मीडिया में आई. उस जमाने में जो उर्दू अखबार थे वो क्या कह रहे थे, उर्दू अखबार ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी शहबाजों ने दुश्मन के 49 त्यारे तबाह कर दिए. यह 6 दिसंबर 1971 की हेडलाइन है. इसी तरह 7 दिसंबर 1971 को कहा गया, तमाम मुहाजों पर पाक अफवाज की दलेराना पेशकदमी, यानी कि पाकिस्तानी फौज आगे ही बढ़ती जा रही है. 8 दिसंबर 1971 को कहा गया कि पाकिस्तानी अफवाज मकबूजा कश्मीर में 15 मील आगे बढ़ गई, यानी कि हमने मकबूजा कश्मीर को भी फतह कर लिया. 10 दिसंबर 1971 को कहा गया कि मशरकी पाकिस्तान में जंग का पांसा पलट गया. यह हेडलाइन थी पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात की और कहा गया कि अखोड़ा पे भारतीय कब्जा का ख्वाब तार तार हो गया. 13 दिसंबर यानी कि सरेंडर से 2-3 दिन पहले कहा गया कि 500 भारतीय फौजी हलाक, मजीद 15 तैयारे और 40 टैंक तबाह हो गए. और उसके बाद 15 दिसंबर को सरेंडर से सिर्फ 1 दिन पहले कहा गया, ढाका के मगरब में भारतीय छाता बरदार फौज को घेर लिया गया. और उसके बाद आप ये देखिए कि 18 दिसंबर को जब सदर याह्या खान ने कौम से खिताब किया तो वो कौम को ये बता रहे थे कि पाकिस्तान मुकम्मल फतह तक जंग जारी रखेगा. ये उन्होंने 18 दिसंबर को कहा, हकीकत ये थी कि 16 दिसंबर को सरेंडर हो चुका था, मशरकी पाकिस्तान पे भारत का कब्जा हो चुका था 16 दिसंबर को. और 18 दिसंबर को मगरबी पाकिस्तान के अखबारात ये कह रहे थे सदर पाकिस्तान के हवाले से कि आखिरी फतह तक जंग जारी रखेगी. जो लोग आज मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया 1971 वाला किरदार अदा करें, या पाकिस्तान का मीडिया जो है उसे आज के पाकिस्तान में अवाम के साथ सच बोलना चाहिए? तो हम अवाम के सामने सच लाने की कोशिश करते हैं और
हमें यह कहने में कोई झिझक महसूस नहीं होती कि अभी भी हम पूरा सच सामने लाने में नाकाम हैं। पूरा सच अगर सामने आ जाए तो फिर ना जाने ये जो लोग मीडिया पे तनकीद करते हैं ये फिर हमें क्या क्या कहें। एवरी पाकिस्तानी मस्ट नो द ट्रूथ अबाउट पाकिस्तान्स आर्मी। मैंने आपसे कहा था इन तिलों में तेल नहीं है, ये डरपोक किस्म की फौज है, ये किसी भी एडवर्सिटी के सामने हथियार डालने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी कभी जंग नहीं लड़ी है, कभी फलस्तीनियों को मारा है, कभी बलोचों को, कभी कश्मीरियों को, कभी बंगालियों को, फौज के सामने ही नहीं आते हैं। और इनके सामने अगर अमेरिका खड़ा हो जाए तो ये कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी तनख्वाहें अमेरिका से आती हैं। भाई आप 15 दिन की जंग के अंदर इंडिया के सामने हथियार डाल देते हैं। भाई आप 15 दिन की जंग के अंदर इंडिया के सामने हथियार डाल देते हैं। हथियार Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns, and rifles on the grass in the final token of surrender. I asked the Pakistani Chief of Staff, Brigadier Bagheer Siddiqui, what he'd felt about the ceremony. It's all right. Part of the game, I suppose. Yeah. It didn't cause you any qualms. Well, you know, we can understand our feelings, but as the general said, this does happen, and so people have to play the game, and I think it's a part of the game. ये फौजियों के साथ ये जो पॉलिसी है, फौजीज डफर्स हैं, डफर्स, ये आप समझ लीजिएगा, ये सियासी डफर्स हैं। अगर आप इनकी पॉलिसी पे चलेंगे जैसे आप चलते रहे हैं तो मुल्क जो है वो किसी जगह नहीं जाएगा। मुझे नहीं परवाह, मुझे नहीं परवाह अमेरिका क्या सोचता है, अफ्रीका क्या सोचता है, मुझे ये परवाह है कि हमारे मुल्क के लोग इस फौज से बचे। अगर आपको बहुत चाहिए सर पे कोई ताज तो जाएं जाके लड़के कोई जंग जीत के दिखाएं। आपने कारगिल किया, आपने वो लाइट इन्फेंट्री वाले लोगों को मारा, आपको आदत पड़ गई है कि आप छोटे छोटे मुल्क के बच्चों को अपने सामने ला के उनको ह्यूमन शील्ड्स बनाते हैं। ना आप लड़ने जोगे हैं, ना आप मुल्क चलाने जोगे हैं, ना आप कोई पॉलिसी सही बनाने जोगे हैं। आपने आप कब्जा ग्रुप हैं, इस मुल्क का कब्जा ग्रुप है, और सियासतदानों को और हमें सबको ये बात सही तरीके से कहना चाहिए।